نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم। मोहतरम नाज़रीन कराम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की दो आयात मुबारक तिलावत फरमाई हैं। इनकी मुख्तसर सी तशरीह करूँगा, पहले तर्जमा और फिर तशरीह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह हक्क़ तुकाती, अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। वला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत इस हाल में आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपने सर को झुकाए हुए हो, तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत में मसरूफ़ हो। और अगली आयत में फरमाया कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरकेबाजी इख्तियार न करो। वस्कुरु नेमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस नियामत को, इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया, एक दूसरे के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल दी। फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, और तुम उसकी नेमत के साथ भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन्नार, और तुम आग के किनारे पर थे, आग के गड्ढे के किनारे पर थे। फअनकज़कुम मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बचा लिया उसे। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल खोल कर तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ वाज़ह करते हैं। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ वापस आ जाओ। तो इन आया मुबारका में जो सबसे पहली चीज़ जिसका हुक्म दिया गया है वो है इत्तकुल्लाह हक्क़ तुकाती, कि अल्लाह से डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। अभी तकवा जो है, तकवा ये बड़ी मेन चीज़ है और बहुत ही अहम चीज़ है। ये एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत लाजमी चीज़ है। इसका माना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर दिल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ पैदा हो जाए। दुनिया में इंसान जो काम भी करने लगे, पहले उसके ज़हन में ये चीज़ वाज़ह हो जाए कि आया ये जो काम मैं करने लगा हूँ, क्या इस काम से मेरा रब मुझसे राज़ी होगा या नहीं, पहली चीज़। दूसरा, जो काम मैं करने लगा हूँ क्या वो काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके करने का हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने उसका काम करने का हुक्म दिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत अहम, और तकवा यही है कि इंसान जो भी काम करने लगे, जो अमल भी करने लगे, सबसे पहले उसको ये सोचना चाहिए कि एक तो मैं ये अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, दूसरा इस काम का हुक्म मुझे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दिया है। फिर तकवे की मुख्तसर तारीफ एक सहाबी हज़रत काब अखबार की ज़बानी सुनिए। वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा उनसे पूछा गया कि आखिर ये तकवा क्या है, तो वो फरमाने लगे कि तकवा की तारीफ बड़ी आसान और सादा सी है।
उन्होंने अर्ज किया कि क्या आप कभी जंगल में गए? तो साहबा ने अर्ज किया कि बिल्कुल। तो वो फरमाने लगे कि एक पगडंडी हो, जंगल में आप जा रहे हो, एक पगडंडी हो, एक तंग रास्ता हो और रास्ते के दाएं और बाएं तरफ झाड़ियां हों, तो आप उस रास्ते से कैसे गुजरेंगे? जहरी बात है, जब अकलमंद इंसान जो भी होगा वो अपना दामन बचा के गुजरेगा कि दाएं भी झाड़ियां हों, बाएं भी झाड़ियां हों और रास्ता भी तंग हो, तो वो कभी भी उसका दिल नहीं करेगा कि मेरा दामन इन झाड़ियों के कांटों से उलझ जाए। वो यकीनन अपने दामन को बचा के गुजरेगा, अपने दामन को पकड़ लेगा और फूंक फूंक कर कदम रखेगा कि कहीं मेरे कपड़े इन झाड़ियों के साथ उलझ न जाए। तो वो फरमाने लगे कि तकवा की मिसाल भी यही है कि आप अपनी जिंदगी ऐसे गुजारें, आप फूंक फूंक कर कदम रखें ताकि हर कदम आपका अल्लाह की रजा और उसके हुक्म के मुताबिक, आप जो कदम भी उठाएं अपनी जिंदगी में वो कदम एक तो अल्लाह की रजा के लिए हो, दूसरा अल्लाह की नाफरमानी से बचकर, फूंक फूंक कर ख्याल करके कि क्या मैं जो काम करने लगा हूं कहीं इसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज तो नहीं हो जाएंगे। तो यही तकवा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, यही तकवा है कि आदमी को अपनी जिंदगी फूंक फूंक कर गुजारनी चाहिए। देखे ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान को इंसान का दुश्मन करार दिया है, खुला दुश्मन, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया कि इंसान का खुला दुश्मन है शैतान, और उसने जब उसको मुर्तद किया गया था, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको धुतकार दिया था, तो उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक इजाजत तलब की थी कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं तेरे बंदों को गुमराह कर सकूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इजाजत मरहमत फरमा दी। तो उसने कहा था कि मैं तेरे बंदे के आगे से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं तरफ से भी वार करूंगा, बाएं तरफ से भी वार करूंगा, जिस साइड से मैं चाहूंगा मैं वार करूंगा और तेरे बंदे को मैं गुमराह जरूर करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि जा, क्यामत तक तुझे इजाजत है। तो वो इंसान हर वक्त ताक में है, हर वक्त घात लगा के बैठा है कि कब अल्लाह रब्बुल इज्जत का नेक बंदा वो इस रास्ते से फिसले और उसके रास्ते पे चले। तो इसलिए तकवा की तारीफ भी यही है कि इंसान अपना कदम फूंक फूंक कर रखे, इंसान हर कदम अपना इस ख्वाहिश के मुताबिक उठाए कि ये जो कदम मैं उठा रहा हूं एक तो इससे अल्लाह राजी होंगे और दूसरा ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। फिर आप देखें कि तकवे के इनामात कितने ज्यादा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, पहला इनाम कि जो भी अल्लाह से डरेगा, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, यजअल लहू मखरजा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको हर तंगी से निकाल देंगे। अब देखें ना, दुनिया की जिंदगी है, यहाँ पे इंसान पे परेशानियाँ आती हैं, इंसान के हालात मुश्किल हो जाते हैं, बाज़ुकात आजमाइशें आ जाती हैं, तो जहरी बात है इंसान है तो बड़ा कमज़ोर, छोटी सी मुसीबत आती है, कांटा भी अगर इंसान को चुभ जाए तो इंसान के आंसू निकल जाते हैं। तो ये हकीकत है कि इंसान बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन एक तकवा, एक मुत्तकी इंसान, वो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत हर परेशानी से, अगर बड़ी परेशानी भी आ जाती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद उस मुत्तकी आदमी के साथ होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद करते हैं और वो उस तंगी से, उस परेशानी से बगैर घबराए वो निकल जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पहला इनाम है उस शख्स पर जो दिल में तकवा इख्तियार करता है, जो दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ रखता है। दूसरा इनाम وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, तकवे वाले आदमी को अल्लाह रब्बुल इज्जत
उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त वहाँ से कर देते हैं जहाँ उसका वहम गुमान भी नहीं होता है। कितनी अहम बात है कि मैं और आप रिज़्क़ के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का ये वादा है मुत्तकी आदमी के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वादा कर दिया है कि जो तकवा इख्तियार करेगा मैं उसे रिज़्क वहाँ से दूंगा जहाँ उसका वहम गुमान भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया है कि बस सिर्फ एक काम कर लो, बाकी रिज़्क जाने और मैं जाने। वैसे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन के अंदर जो भी चलने वाला है, जो भी चलने वाली मखलूक है, उसका रिज़्क मेरे ज़िम्मे। तो ये दूसरा इनाम है। और तीसरा इनाम कि जो मुत्तकी आदमी है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, तीसरा इनाम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके हर मामले में आसानी पैदा कर देते हैं। कोई भी वो काम करने लगता है, किसी मामले में भी वो हाथ डालता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उसके साथ शामिल हाल होती है और वो मामला, वो मसला उसके लिए आसान हो जाता है। अच्छा, अगली चीज़ कि मुत्तकी बनना कोई ये नहीं है कि आपने चिल्ला लगाना है, आपने 40 रातें जागना है, आपने मतलब ये है कि पूरा साल लगाना है, रात को नफल पढ़ने हैं, दिन को रोज़ा रखना है। नहीं नहीं, मुत्तकी कौन होता है? आप देखें ना सूरह बकरा की जो इब्तदाई आयात है, मुत्तकी की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी, कि ये किताब है इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। अच्छा, आगे मुत्तकी लोगों की तारीफ बयान की गई है, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, पहली सिफत मुत्तकी कौन लोग होते हैं? जो ईमान बिल गैब रखते हैं। हम सबका ईमान है, हम ईमान बिल गैब रखते हैं। ईमान बिल गैब का मतलब ये होता है कि बिन देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान, तो यकीनन हम मोमिन हैं तो हम बिन देखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान रखते हैं। दूसरी सिफत क्या होती है मुत्तकी लोगों की? वयुकीमून अस्सला, नमाज कायम करते हैं। हम भी जो मुसलमान है, जहरी बात है, नमाज तो उसको पढ़नी चाहिए ना, अगर नहीं पढ़ता है तो ये गलत बात है, गुनाह वाला काम है। लेकिन एक बुनियादी जो फ़र्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नमाज आयद करदा और दीन का सुतून भी है, तो इसलिए एक मोमिन और मुसलमान वो कभी भी नमाज को नहीं छोड़ सकते। तो दूसरी सिफत ये है कि वह यकीमून अस्सला, नमाज कायम करते हैं। आगे जी, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यकीनन ये भी हर मुसलमान और मोमिन को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको जो भी माल दिया है, जितना भी दिया है, उसमें से वो ज़रूर खर्च करे। आगे फरमाया वल्लज़ीन युमिनून, और वो लोग जो ईमान रखते हैं किस पर? बिमा उन्ज़िला इलैक, उस पर जो नाजिल किया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और उस पर भी जो इससे पहले अंबिया पर नाजिल किया गया। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। तो ये मुत्तकी लोग हैं। सादा सी बात है। पहली चीज़ क्या है कि अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, वो गैब पर ईमान रखते हैं। दूसरी बात, वो यकीमून अस्सला, नमाज कायम करते हैं। तीसरी बात, व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, जो हमने उनको दिया है वो रिस्क खर्च करते हैं। चौथी बात, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक, जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की है उस पर ईमान रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्ल, और जो आपसे पहले जो साहिब है उन पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत पर भी रखते हैं। बस ये सादा सी शराइत किसके लिए? मुत्तकी बनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान में ये चीज़ें पाई जाती है। तो मुत्तकी बनना, तकवे वाला बनना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हाँ, थोड़ी सी मेहनत दरकार,
थोड़ी सी मेहनत इंसान कर ले, थोड़ा सा सोच ले, और फिर क्या फरमाया कि उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम, कि जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती है ना तकवे वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया कि उलाइक अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं, व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। तो इस जो आयत मुबारक मैंने तिलावत की है, तो पहली जो बात है वो यही है कि इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरें, हक तुकातिही, जिस तरह उससे डरने का हक है, कितना हक है, जितनी उसने, जितनी उसकी नियामतें, जितने उसके एहसानात, जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नवाजा है, उतना उससे डरें, कितना नवाजा है, कितने एहसानात हैं उसके। وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, कि अगर तुम अल्लाह की नियामतों को शुमार करने लग जाओ तो नहीं शुमार कर सकते। तो बस इतना ही हमने करना है कि जितने उसके एहसानात हैं, जितनी उसकी नियामतें हैं, उतना ही उससे डरना है, उतना ही हमने तकवा इख्तियार करना है। तो ये पहली चीज है। आगे फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हारी मौत इस हाल में आए कि तुम्हारा सर अपने रब के सामने झुका हुआ, तुम उसकी इताअत में सरे तस्लीम खम की हुई हो, तुमने ऐसी जिंदगी गुजारी हो जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाही जिंदगी है। तो पहली आयत मुबारक में ये दो चीज़ें बयान की हैं। अगली आयत फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दें, ये बड़ी अहम बात है। वला तफर्रकू, और तफरकाबाजी न करो। अभी देखें दो चीज़ें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया है कि हमने आपस में मुत्तहिद रहना है, तफरकेबाजी नहीं करनी, कौमी लेवल पर भी हम देख लें अपने आप को और बैनुल अक़वामी लेवल पर भी हम देख लें। देखें ना मुसलमान कितनी, मतलब है कि बाइज़्ज़त कौम है हम, कितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितने इनामात हैं इस उम्मत पर। उम्मत ऐसे तो नहीं ना बन गई, ये जो उम्मत बनी है इसमें आप अलैहिस्सलाम के नवासों का खून शामिल है, उनकी गर्दनें कटी हैं, अहले बैत की गर्दनें कटी हैं, इसी तरह आपके सहाबा की कुर्बानियाँ हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतहाशा कुर्बानियाँ, तब जाके ये उम्मत बनी। तो अब उम्मत को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आपस में मुत्तहिद रहना है, तफरका अख्तियार नहीं करना है। लेकिन अफसोस यही है कि हम कौमी सतह पर भी तफरके का शिकार हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी। कौमी सतह पर कैसे, आप देख लें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जिस रियासत में हम रह रहे हैं, कि मुसलमानों के बेताशा फिरके बन चुके हैं और शैतान ने दिल में ऐसी बात डाल दी है कि कोई किसी देवबंदी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, कोई कहता है ये वहाबी हैं इनके पीछे मैंने नमाज नहीं पढ़नी है, बरेलवी के पीछे कोई नमाज नहीं पढ़ता, हर एक फिरके की मस्जिद अलग अलग बनी हुई है और दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ना हमको गवारा नहीं, दूसरे फिरके की जो मस्जिद है उसमें। देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप अंदाज़ा करें कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिकीन का सरदार, वो जब फौत हो गया तो उनके बेटे चूंकि सहाबी थे, मौजूद सहाबी थे, वो आए आप अलैहिस्सलाम के पास कि या रसूल अल्लाह मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं तो आप उनका जनाजा पढ़ा दें। अब अब्दुल्ला बिन उबई, आप सब जानते हैं कि मुनाफिकीन का सरदार था और उसने आपको बेतहाशा तकालीफ दी, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगाई वो इस शख्स ने लगाई थी, आप अंदाजा कर लें।
अम्मी आयशा जो आपकी बेहद मोहब्बत वाली बीवी थी, इस शख्स ने उस पर उन पर तोहमत लगाई थी। जब वो फौत हो गया तो उनके बेटे सहाबी रसूल हैं, वो आए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे अब्बू की नमाज जनाजा पढ़ा दें। अब तमाम सहाबाए कराम हैरान थे, परेशान थे। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते हैं कि एक जलाली साहबी थे, वो फौरन आ गया और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, वो शख्स जिसने आपको सारी जिंदगी तकलीफ दी, जो मुनाफकत करता रहा, मुनाफिकीन का सरदार रहा, आप उसका जनाजा पढ़ाएंगे? तो आपने फरमाया, उमर हाँ मैं पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरी वजह से उसकी बख्शिश हो जाए। ये अलग बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन कुरान मजीद की आयत नाज़िल फरमा दी थी कि इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मर्रतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम, कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इसका जनाजा 70 मरतबा भी पढ़ाएंगे तो मैंने इसकी बख्शिश नहीं करनी। ये आयत नाजिल हो गई, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा या इनकार नहीं किया कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। आपने इनकार नहीं किया, आप फौरन तैयार हो। आप देखे ना कि हम मतलब है कि छोटी छोटी सी बातें होती हैं और हम जनाजे छोड़ देते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। ये दीन इस्लाम का तरीका नहीं है, ये हमारे प्यारे नबी का तरीका नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि माफ़ करना है, ये सबसे अफजल है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद रहें, मुत्तफिक रहें, और इसकी बड़ी बरकत है। अच्छा, बैनुल अक़वामी लेवल पर देख लें कि तकरीबन 57 या 58 इस्लामी ममालिक, और इस्लामी ममालिक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बे इंतहा रिस्क दिया है, माशी तौर पर मजबूत तरीन है, तेल जैसी दौलत से माला माल है, लेकिन आपस में मुत्तहिद नहीं है, आपस में मुत्तफिक नहीं है। आप देखें अभी जो मुसलमानों के हालात हैं, हर तरफ मुसलमानों को मारा जा रहा है, इसकी मेन वजह यही है कि हम आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं रहे। अभी ये ताज़ा तरीन मिसाल आप देख लें कि इसराइल ने फलस्तीन पर हमला कर दिया। आप जानते हैं कि इसराइल की जो आबादी है वो सिर्फ 1 करोड़ है, या उससे भी कम है मेरे ख्याल में, 95 लाख या 97 लाख इस तरह इसराइल की आबादी। और पूरी दुनिया में यहूदी पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 2% हैं या 1.5% हैं, जबकि मुसलमान 20 से 25% है। और आप अंदाज़ा करें कि इसराइल फलस्तीनियों को, मज़लूम बच्चों को शहीद कर रहा है, माओं और बहनों को शहीद कर रहा है, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क की मजाल नहीं है सिवाय बयानात के कि वो ये कहें कि ये नहीं होना चाहिए, या इसराइल के ख़िलाफ़ अलम जिहाद बुलंद करें। देखें, 1 करोड़ आबादी या इससे भी कम, तो कितना बड़ा मुल्क है। अब देखें, हमारी जो कराची है इसकी आबादी 1.5 करोड़ है मेरे ख्याल में। तो सोचने की बात यह है कि जहाँ अरबों में मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ 95 लाख आबादी वाला मुल्क मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है और मुसलमान खामोश है। क्या वजह है? यही वजह है कि आपस में इत्तफाक नहीं है, आपस में इत्तेहाद नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें कि अर कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, उसके मिस्दाक जो सारी कुफ्रिया ताकते हैं, जो हमारे मुखालिफ ताकते हैं, वो सब आपस में मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक।
तो ये सोचने की बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि वाह तस्सिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम, वला तफर्रकू, और आपस में तफरकेबाजी इख्तियार न करो, यानी जब हम मुत्तहिद होंगे तो उस वक़्त ही हमारा काम बनेगा, और जब हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर यही हालत हमारी होगी जो आज हो रही है। आज मुसलमानों की जो इज्जत है वो खाक में मिली हुई, हम मुसलमान जो है वो अमेरिका को सुपर पावर मान रहे हैं, हालांकि सुपर पावर तो अल्लाह है, और इसमें जो अहम चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो ईमान की कमज़ोरी भी शामिल है। आप देखें ना, हमारी मुसलमानों की तारीख तो ये रही है कि एक तरफ 1000 थे और एक तरफ 313 थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फतह अता फरमाया, वजह क्या थी? वजह यही थी कि उनका ईमान मजबूत और आपस में इत्तेफाक। तो इस आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तफरका इख्तियार न करो, वस्कुरू नियामतल्लाह अलैकुम, और याद करो उस अल्लाह की नियामत को जो उसने तुम पर की, इस कुन तुम आदाअन, जब तुम दुश्मन थे, फअल्लफ बैन कुलूबिकुम, तो उसने तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ दिया, तुम्हारे दिलों के आपस में मोहब्बत पैदा कर दी एक दूसरे के दिलों में, फअसबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, और तुम उसकी नियामत के साथ भाई भाई बन गए। आप देखें ना, ये जो मिसाक़े मदीना है, अंसार और महाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आपस में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी रसूल ने उनको आपस में भाई भाई बना दिया, और आप यकीन जाने कि ये सोचकर हैरान होंगे कि हर एक दूसरे से बढ़कर दूसरे को माल अता करता था। अगर अंसारी के पास दौलत है तो वो ये नहीं सोचता था कि आगे जो दूसरा जो है ये मेरा महाजिर भाई है, मैं इसको क्यों नहीं, नहीं। अगर किसी के पास माल और दौलत है तो वो अपने महाजिर भाई की बेआईन ही मदद इसी तरह मदद करता था कि जिस तरह उसका सगा भाई। और मेरे दोस्तों, यही हमारे दीन का तरीका है, यही हमारे दीन की तालीमात है। अल्लाह के आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि अल मुस्लिम व अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, कि जब उसके, और दूसरी जगह क्या फरमाया कि जब उसके एक उज्व को तकलीफ होती है, कि उज्व में जिस तरह आंखों को तकलीफ होती है या कान को तकलीफ होती है या नाक को, तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है, इसी तरह जब एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो दूसरा मुसलमान भी तकलीफ में होता है, उस वक़्त तक जब तक उसको आराम और सुकून मिलना चाहिए। और इसी तरह कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, साथ ये भी फरमा दिया कि मुसलमान हैं तो आपस में उनकी लड़ाई हो सकती है, वो आपस में इख्तलाफात का शिकार हो सकते हैं, लेकिन दीन क्या कहता है, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, आपका काम यह है कि इन दोनों के दरमियान सुलह करा देना, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम उसकी नियामत से भाई भाई बन गए, वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, और तुम आग के गड़े के किनारे पर थे, फअन्क़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें उस आग के गड़े से बचा लिया, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल खोल कर अपनी आयात बताते हैं, वाज़ह करते हैं, क्यों, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ, सीधे रस्ते पर आ जाओ। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेफाक़ और इत्तेहाद की दौलत से मालामाल फरमाए, ताकि दुनिया में मुसलमान जो जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, इस रुसवाई से बचा जा सके, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन में मुसलमान हमारी माएँ बहनें और बच्चे जो शहीद जिनको किया जा रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद फरमाए।
उनको साबित कदम रखे और उनको इस्तेकामत नसीब फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।